डॉक्टर, इस आलू से गोरे कैसे हो सकते? बहुत आसान है, मैं बता देती हूँ। आपने टमाटर का जूस निकालना है, ठीक है। आलू का जूस जो है, आलू सबसे अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। नेचुरोपैथी में इसको सुखा कर इसका ब्लीच बनाया जाता है। अगर आलू का पाउडर, पोटैटो पाउडर मिल जाए, अच्छा, अगर उसी में आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला कर, बेकिंग पाउडर और आलू का पाउडर अगर मिल जाए, दोनों को मिक्स कर, जी जी सूखे पाउडर पाउडर उसको मिक्स करके अगर आप लगाए तो आपके बाल आस्ते आस्ते गोल्डन हो जाएंगे। ब्लीचिंग एजेंट है। दोस्त भी क्या करती थी, मैं कॉलेज की डेज की बात बता रही हूँ, कि वो आलू को लेके और बकाया वो बेकिंग सोडा, डॉक्टर बिल्किस शायद उसको पता नहीं था, लेकिन वो आलू से ब्लीच कर लेती थी अपने फेस को। अच्छा, आलू लेके ऐसे ही आलू, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने डार्क सर्कल्स भी इससे कवर करती हूँ। देखिए ये देखे वो जो तरीका है ना, इस तरह ये देखे आलू का, इसका जूस ऊपर आने लगेगा। मतलब कच्चा आलू लिया, हाँ, उसको छिलका नहीं छीला आपने? नहीं नहीं, कुछ उसको इस तरह छुरिया मार मार के सारा गुस्सा निकाल दिया। मैं इसको ईसा भाई नहीं समझ रही। ईसा भाई यूं नहीं समझ रहे कि आलू को भी छुरियां पड़ रही है तो कमजोर हो रहा है वो अंदर। नहीं, कमजोर नहीं कह रहे, तो यानी कि आप अंदर से किसने मारी, अंदर से उसका जूस निकल रहा है, गूदा निकल रहा है। अच्छा बताए तो आगे होगा क्या? नहीं, ईसा भाई कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं कि आलू अल्लाह की बड़ी नेमत है, और आपको तो आलू की तारीफ करनी चाहिए माशाल्लाह से। बेकिंग सोडा डाला, हाँ। और आपने ये जो है आपके नकल्स, कोहनियाँ, जहाँ डार्क डार्कर पार्ट है, पैचेस है, आप उसको इस ये मुंह पे तो नहीं लगाए ना? मुंह पे भी लगाए, मुंह पे भी, लेकिन हाथ वाला तो मुंह पे ना लगाए ना। अच्छा, अंडर आर्म्स किसी के ब्लैक होते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस ये आपने डेली करना है। इसके बाद क्या करना है, इसको दो से पांच मिनट किया, उसके बाद हाथ को रोज वाटर से साफ किया। उसके बाद अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, हल्का सा शहद लिया, हाँ, उसके ऊपर लगा लिया। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, मैंने सुना है कि ये जो है ऑयल नहीं लगाना है, अगर ऑयल लगाएंगे तो ये डार्क हो जाएगा, स्किन टाइटनिंग, ऑयल लगाएंगे डार्क हो जाएगा। अक्सर हमारे यहाँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जैसे नो वेज़लिन नो ऑयल, सिर्फ शहद लगाना है। जैसे हमारे यहाँ पे वैक्सिंग के बाद अक्सर ऑयल, एक तो ट्रीटमेंट ऑयल होता है वो अलग होता है, लेकिन कुछ लोग घर में एक सरसों का तेल ये वाला तेल वो लगा लेते हैं, उससे स्किन डार्क हो जाती है। और इसको लंबा भी नहीं रखना चाहिए, लंबा टाइम इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्किन टाइटनिंग के लिए भी ये है मेरे ख्याल में बेहतरीन है। अभी आपने बताया कि इससे गोरा है जी, बिल्कुल। और दूसरा भी एक और टिप है, अगर बोले अच्छा बोले, आलू के साथ, आलू के साथ रंग साफ करने के लिए, आपने टमाटर का जूस निकाला, आपने आलू का जूस निकाला, आपने उसमें क्या क्या, ये बच्चों को भी लगा सकते हैं, छोटे बच्चों को, ठीक है, हल्दी आपने इसमें डाली, अच्छा, और आपने इसमें शहद डाल दिया, ये हाँ, हल्दी, टमाटर का जूस, आलू का जूस, बराबर बराबर सब बराबर, सही, हल्दी पिंच डाला, ये एक डिकॉशन बन गया, ये आपकी व्हाइटनिंग क्रीम बन गई, सही है। और ये कब लगाएं? ये रात को सोते वक्त। और ये कितनी देर तक के लिए है? रात को सोते वक्त आराम से लगाएं। उसके बाद आप इसको, और लगाने का तरीका सिर्फ ये है, इसको बाकी जो आपका ये बच जाता है उसको आप हर जगह लगा ले। देखिए ये देखें, लगाया, ये जज्ब हो गया, हालांकि मैंने अभी शहद भी लगाया था, लेकिन सारा जज्ब हो गया। और आप रात को सो जाएं, सुबह पहले गर्म पानी से साफ करें बॉडी को, उसके बाद आप कोई कितने दिन में गोरा रंग होना शुरू हो जाएगा? अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, इंशाल्लाह, इंटरनल डाइट भी अच्छी रखी तो आपको दिनों में फर्क, जैसे आपकी लेयर उतरती है 28 दिन में, किसी की 25 दिन में पील हो जाती है, तो जब पीलिंग का प्रोसेस आने लगेगा आपकी स्किन ग्लो करना शुरू। ओके,